हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर हिमानी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स इन दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्रा। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉस्ट इन लॉन्ग रन अंडर ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट। इस वीडियो लेक्चर में हम परंपरावादी सिद्धांत के अंतर्गत दीर्घकाल में लागत वक्रों की व्याख्या करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने शॉर्ट रन में कॉस्ट को एक्सप्लेन किया। शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल थे, इसीलिए जो कॉस्ट थी उसमें भी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट थी। बट लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें सारे इनपुट्स वेरिएबल होते हैं। एक फर्म के पास सफिशिएंट टाइम होता है अपने सारे इनपुट्स को यूज़ करके मिनिमम कॉस्ट के ऊपर, लीस्ट कॉस्ट के ऊपर वो फर्म प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड में कोई भी फैक्टर फिक्स फैक्टर नहीं होता, इसीलिए लॉन्ग रन के अंदर फिक्स कॉस्ट भी नहीं होती। शॉर्ट रन में हमने कॉस्ट के 3 कंसेप्ट किए थे, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। सिमिलरली लॉन्ग रन में भी कॉस्ट के 3 कंसेप्ट है, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट फर्स्ट है, सेकेंड है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और थर्ड है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे टोटल कॉस्ट के 2 टाइप, फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर सारे इनपुट्स ही वेरिएबल हैं, इसीलिए फिक्स कॉस्ट इसमें नहीं होती। सिमिलरली क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं है तो एवरेज कॉस्ट भी सिंपल एवरेज कॉस्ट है, और मार्जिनल कॉस्ट तो ऑलरेडी हमने सिंगल ही पढ़ी थी। तो हम सबसे पहले अपने फर्स्ट पे आ जाते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे, लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या है। शॉर्ट रन में हमने टोटल कॉस्ट के 3 टाइप्स पढ़े, अभी हमने डिस्कस भी किया, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और कंबाइंड टोटल कॉस्ट। बट इन द लॉन्ग रन क्योंकि सब इनपुट वेरिएबल हैं, सारे के सारी आगतें जो हैं वो परिवर्तनशील होती हैं, इसीलिए लॉन्ग रन में सिर्फ टोटल कॉस्ट कर्व होता है। और टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट वो मिनिमम कॉस्ट है जिस पे आप आउटपुट के अलग अलग लेवल को प्रोड्यूस कर सकते हो। मतलब आपने जितना उत्पादन किया, अलग अलग उत्पादन के स्तर को आप जिस कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे हो, जिस मिनिमम कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर रहे हो, उनका लोकस आपका लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट है। इसका मतलब हर टोटल कॉस्ट कर्व जो लॉन्ग रन में है वो शॉर्ट पीरियड की टोटल कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट का लोकस है। अगर आप शॉर्ट रन की टोटल कॉस्ट बनाते हो, फॉर एग्जांपल फिगर में ये हम शो कर रहे हैं, डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस पर लिया है आउटपुट को, वाई एक्सिस पे हमने लिया है कॉस्ट को। हमने शॉर्ट रन की टोटल कॉस्ट ली, फर्म ने एक आउटपुट Q1 प्रोड्यूस करना था, जिसके लिए उसने क्या किया, शॉर्ट रन की जो टोटल कॉस्ट थी ST1, इस तरह की शेप में हमने पढ़ा है कि ये 0 से स्टार्ट नहीं होती शॉर्ट रन की जो कॉस्ट है, क्योंकि इसमें फिक्स फैक्टर्स भी होते हैं, तो ये फिक्स फैक्टर जहाँ पे है वहाँ से स्टार्ट होगी। इसके मिनिमम पॉइंट पे फर्म प्रोड्यूस कर रही है आउटपुट Q1। इसी तरह से शॉर्ट रन की एक और कॉस्ट है STC2, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट 2। इसका मिनिमम पॉइंट ये है जहाँ पे फर्म आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है OQ2। तो इन दोनों के मिनिमम पॉइंट को ज्वाइन करके हमने ओरिजिन से एक कर्व बनाया, सेम उसी शेप में जैसे शॉर्ट रन की टोटल कॉस्ट थी। दिस कर्व ये है फर्म का लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट क्या है? ये टेंजेंट है, किस किस को टेंजेंट है, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट के जो मिनिमम पॉइंट्स हैं, जो न्यूनतम बिंदु थे, उनको ये टच होके जा रहा है, टेंजेंट होके जा रहा है। और ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर हर फर्म ने एक प्लान किया, और उन्होंने ये प्लान किया कि उन्होंने जो आउटपुट प्रोड्यूस करना है वो मिनिमम लेवल पे करना है, लीस्ट कॉस्ट पे करना है, उन्हीं लीस्ट कॉस्ट का कॉम्बिनेशन लॉन्ग रन की टोटल कॉस्ट है। तो फर्म एक प्लान करती है कि जब भी वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगी तो वो इस तरह से होना चाहिए कि उनकी कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो लॉन्ग रन की टोटल कॉस्ट किस तरह की बनी, अभी हमने देखा, लॉन्ग रन की टोटल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होती है। ओरिजिन से इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि लॉन्ग रन के अंदर कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता, जबकि शॉर्ट रन की जो टोटल कॉस्ट थी वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होती, वो वाई एक्सिस से शुरू होती है। लॉन्ग रन की टोटल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होती है और ज़्यादा
फ्लेक्सिबल होती है। स्टार्टिंग में ये डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट रेट से, और उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से। ये शेप सेम वही है शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट की तरह, सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये कॉस्ट आपकी ओरिजिन से स्टार्ट हुई है। सेकेंड पॉइंट है लॉन्ग रन की टोटल कॉस्ट की स्लोप कैसी है, पॉजिटिव स्लोप है। इसका मतलब जैसे जैसे आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो आपको एडिशनल कॉस्ट भी ईयर करनी पड़ती है। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट सबसे पहले इंक्रीज होती है लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट से होती है, उसके बाद कॉन्स्टेंट रेट से, लेकिन उसके बाद लास्ट में वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सेकेंड कॉस्ट हमारी आ जाती है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट LAC, जिसे इनवेलप कर्व भी कहा जाता है, लिफाफा वक्र, या इसे हम प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, योजना वक्र भी कहते हैं। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि वाई लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज कॉल्ड इनवेलप कर्व और प्लानिंग कर्व। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉसिबल पर यूनिट कॉस्ट है ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इन द लॉन्ग रन। दीर्घकाल में आप उत्पादन की अलग अलग मात्राओं का जो उत्पादन करते हो, तो एक एक यूनिट की जो मिनिमम कॉस्ट आती है, पॉसिबल कॉस्ट आती है, वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट क्या होती है? पर यूनिट कॉस्ट। लेकिन क्योंकि लॉन्ग रन की है तो जो मिनिमम पर यूनिट कॉस्ट होगी वो आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होगी। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम कैसे डिराइव करते हैं? मान लो हम यहाँ एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। सपोज एक फर्म दो तरह के प्लांट यूज कर रही है, प्लांट के साइज दो हैं, एक प्लांट है स्मॉल प्लांट और दूसरा है लार्ज प्लांट। अगर तो आपने कम प्रोडक्शन करनी है, आप छोटे प्लांट छोटी मशीनरी को यूज करोगे और वो स्मॉल प्लांट की एवरेज कॉस्ट है SAC1। लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है तो आप बड़ी मशीन बड़े प्लांट को यूज करोगे और उसकी कॉस्ट है SAC2। ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं पहले कि शॉर्ट रन में जो एवरेज कॉस्ट है वो यू शेप की होती है। तो डायग्राम पे आ जाइए। मान लो अभी हमने बात करी कि शॉर्ट रन की जो एवरेज कॉस्ट है स्मॉल प्लांट की, छोटे प्लांट की, वो है SAC1, और एक बड़ा प्लांट है जिसकी कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है SAC2। अगर फर्म ने कम प्रोडक्शन करनी है OM और वो बड़े प्लांट से करे तो कॉस्ट आती है A से लेके M तक, AM। लेकिन अगर छोटा प्लांट छोटी मशीन चलाई जाए तो कॉस्ट आती है BM। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है साफ साफ कि अगर आप बड़ी मशीन चलाते हो तो कॉस्ट AM है, अगर आप वही स्मॉल प्लांट से करते हो तो कॉस्ट BM है। तो फर्म किससे प्रोडक्शन करेगी? नेचुरल है, छोटे वाले प्लांट को यूज करेगी क्योंकि कॉस्ट कम है। पर अगर उसने आउटपुट प्रोड्यूस करना है ON, तो उस केस में आप ये देखिए, ये शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट छोटे प्लांट की है, छोटे प्लांट की उसकी कॉस्ट आती है DN, लेकिन अगर वो बड़े वाले प्लांट से करती है तो कॉस्ट आती है CN। तो ON आउटपुट प्रोड्यूस करना उसे कहाँ पे बेनिफिशियल है? बड़े प्लांट को यूज करके। तो फर्म ने ये प्लान किया कि अगर उसे कम आउटपुट प्रोड्यूस करना है वो छोटा प्लांट यूज कर रही है, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो बड़ा पॉइंट यूज कर रही है, प्लांट यूज कर रही है, और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके ये जो एक कर्व आ रहा है जिसे डायग्राम में या डॉटेड में शो किया हुआ था, ये कर्व है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, दीर्घकालीन औसत लागत, जो कि यू शेप की कर्व बनी, लेकिन ये फ्लैट कुछ ज़्यादा है शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट से, उसे फ्लैटर है जो कि लॉन्ग पीरियड को शो करता है। तो यहाँ पे फर्म ने एक प्लान किया कि अगर उन्हें कम आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो वो छोटे प्लांट को यूज़ करेंगे और ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है तो बड़े प्लांट को यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से लीस्ट कॉस्ट के ऊपर वो प्रोडक्शन कर सके। इसीलिए इसे प्लानिंग कर्व कह दिया जाता है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को हम इनवेलप कर्व भी कहते हैं। इनवेलप कर्व क्यों कहते हैं? लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो कि यू शेप की होती है, उसके हर पॉइंट के ऊपर एक शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट है जो डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट को बताती है। जब LAC फॉल कर रही होती है तो इसके फॉलिंग पार्ट पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का फॉलिंग पार्ट ही टच होता है, जैसे कि इन लेवल्स के ऊपर है, इसका फॉलिंग पार्ट टच हो रहा है। और जब ये इंक्रीज हो रही होती है तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो कि यू शेप की है, उसका इंक्रीजिंग वाला पार्ट ही इसको टच होता है। लेकिन LAC के मिनिमम पॉइंट पे, इसके न्यूनतम बिंदु पे, SAC का न्यूनतम बिंदु ही टच होता है, मिनिमम पॉइंट ही टच होता है।
क्योंकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं टेंजेंट होती है। ये यू शेप की कर्व बनी, इसके अंदर बहुत सारी शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट आ जाती हैं, इसीलिए हम LAC को इनवेलप कर्व भी कह देते हैं, क्योंकि एक इनवेलप की तरह ये सारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को अपने अंदर कवर करके रखती है। हम यहाँ पे देख भी रहे हैं कि इसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। सबसे पहला नेम है इनवेलप कर्व। इनवेलप कर्व इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इट एनक्लोजेज ऑल द शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जितनी भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट हैं उनको ये अपने अंदर एनक्लोज करके रखती है। प्लानिंग कर्व ये है, क्योंकि इसी कर्व से एक फर्म प्लान करती है कि उसे कौन से प्लांट को यूज करना है, ताकि डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी जब वो प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी उन्हें मिनिमम कॉस्ट पड़े, कम से कम लागत हो। नेक्स्ट हमने ये अभी देखा कि लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट जब हमने बनाई तो वो यू शेप की कर्व बनी, सेम जैसे शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई LAC इज यू शेप्ड, LAC यू शेप की कर्व क्यों है। तो उसका सबसे पहला कारण है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। हम जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं हमें कई तरह की इकोनॉमीज, कई तरह की बचतें प्राप्त होती हैं, और वो किस रीज़न से होती हैं। सबसे पहला पॉइंट है डिवीज़न एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ लेबर। आप जैसे जैसे ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को अपॉइंट कर रहे हो, लेबर आपके, आप डिवीज़न ऑफ लेबर करोगे, काम के हर पार्ट को बांट के करोगे। जैसे सपोज आपने शूज़ बनाने हैं तो आपने लेबर में वर्क को डिवाइड कर दिया, कोई लेबर होगी जो सोल बना रही होगी, कोई होगी जो लेसिस बना रही होगी, कोई होगी जो उसका अपर पार्ट बना रही होगी। जब इस तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर श्रम विभाजन से काम करवाया जाता है तो लेबर अपने काम को करने में स्पेशलाइज हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ती है, कुशलता बढ़ती है, वो कम समय में कम कैपिटल को यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कम होती है, LAC कम होती है। कुछ हमें टेक्निकल इकोनॉमीज में मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आप एक टेक्निक यूज कर रहे थे, एक टेक्नोलॉजी, एक मशीन यूज कर रहे थे, जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो उस मशीन का प्रॉपर यूज होना शुरू हो जाएगा, उसका अंडर यूटिलाइजेशन अब नहीं होगा। कम प्रोडक्शन पे आप उसे अंडर यूटिलाइज कर रहे थे, लेकिन ज्यादा प्रोडक्शन होने पर कॉस्ट कम होने लगेगी। यही इकोनॉमीज ऑफ डिविजिबिलिटी भी है। सपोज आपने एक मशीन चलाई, एक मशीन से 100 कारपेट बन सकते हैं, पर स्टार्टिंग में आप सिर्फ 10 कारपेट बना रहे थे तो मशीन की सारी कॉस्ट उन 10 कारपेट की कॉस्ट में आ रही थी। पर आपने जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा करनी शुरू करी, मशीन की फुल कैपेसिटी पे यूज़ होने लगा, जिसकी वजह से आपकी एवरेज कॉस्ट कम होना शुरू हुई। लेकिन जब आप प्रोडक्शन एक लेवल से ज़्यादा करते हो तो वही इकोनॉमीज आपके डिस इकोनॉमीज में चेंज हो जाती हैं, आपको ज़्यादा वर्क को मैनेज करने में प्रॉब्लम आने लगती है। लार्ज स्केल पे जब आप प्रोडक्शन करने लग जाते हो तो इनएफिशिएंसी कई बार इंक्रीज भी होने लगती हैं, आपको कई एक्स्ट्रा पेपर वर्क, कई ट्रैवलिंग एक्सपेंसिस करने पड़ते हैं, टेलीफोन के बिल्स पे करने पड़ते हैं, इन सब की वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज होने लगती है। स्टार्टिंग में इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से डिवीज़न ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन सब कॉस्ट को कम कर रहे थे, पर एक लेवल के बाद जब आउटपुट ज़्यादा इंक्रीज होता है तो डिस इकोनॉमीज हमें हानियां होने लगती हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ती है और LAC की शेप कैसी बन जाती है, यू शेप की कर्व बन जाती है। तो ये सब कॉजेज थे जिसकी वजह से LAC जो थी वो यू शेप की है। लास्ट पार्ट इसका आ जाता है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या है। मार्जिनल कॉस्ट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन मोर और वन लेस यूनिट ऑफ कमोडिटी। जब भी आप किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते हो तो कुल लागत में जो परिवर्तन आता है वो आपकी सीमांत लागत है। इसी तरह से लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट क्या है, जब आपने एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस किया या एक कम यूनिट को प्रोड्यूस किया तो उसकी वजह से लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया, दैट चेंज इज लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट की तरह ही यू शेप की होती है, बस उससे ज्यादा फ्लैट कर्व है क्योंकि ये लॉन्ग रन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। LAC और शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट में क्या रिलेशन है। यहाँ सिंगल डायग्राम बना है, हम अलग से बना सकते हैं। हम एक डायग्राम ले रहे हैं जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं आउटपुट को, उत्पादन को, और वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं कॉस्ट को, लागतों को। लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट कर्व हमने देखी यू शेप की कर्व होती है,
यू आकार की कर्व है और इसके हर पॉइंट पे शॉर्ट रन की कॉस्ट है, लेकिन शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट से इसका रिलेशन कैसा है? लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे एक शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट अपने मिनिमम पॉइंट पे इसको टच करती है, ये रिलेशन है इनमें। और अगर रिलेशन की बात की जाए लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट चारों की, तो वो डायग्राम में शो है। आपने सबसे पहले ये डायग्राम बनाया। अब लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट है तो उसे लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट कट करके जाएगी, शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट है तो उसको शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट मिनिमम पॉइंट से कट करके जाएगी। तो ये इन चारों में रिलेशन है। लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे एक शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट होती है जो उसे टेंजेंट होती है, लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट को लॉन्ग रन की मार्जिनल कॉस्ट कट करती है, सिमिलरली लॉन्ग रन की एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पे शॉर्ट रन की मार्जिनल कॉस्ट उसे इंटरसेक्ट करके जाती है। तो ये इन चारों में रिलेशन है। दैट्स ऑल अबाउट लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। थैंक यू सो मच।